वह छोटा सा कंकर भी नीचे डूब गया। कंकर बहुत छोटा था, हल्का था, किंतु डूब गया। और एक बहुत बड़ा किसी व्यक्ति ने वहीं पर एक लकड़ी तालाब में फेंक दी। फेंकने के उपरांत वहाँ पर भी लहरें वगैरह उठ गए, किंतु वह लकड़ी डूबी नहीं। अब हमें पूछना है अथवा सोचना है और दूसरे को बताना है। पूछना है, सोचना है और बताना है। बताना तो बाद में, सोचना पहले। समझ में नहीं आए तो पूछना। क्या कारण है छोटा सा लघु कंकड़ भी डूब गया, और क्या कारण है बड़ी लंबी चौड़ी लकड़ी और मनोमन तनोतन वजन भी होगी और वह डूबी नहीं। समझना है, क्योंकि घनत्व की दृष्टि से कंकड़ में घनत्व ज्यादा है, विस्तार नहीं, और लकड़ी में भले ही वजन ज्यादा है किंतु घनत्व नहीं। हमारे आचार्यों ने बंद के कारण के लिए कषाय कहा, और वह जिसका घना कषाय होगा उतना ही ज्यादा डूब जाएगा, और बंद तो होगा किंतु कषाय जिसका हल्का होगा तो वह लकड़ी की भांति तैर जाएगा। आपको डूबना है क्या तैरना है? तैरना है क्या? तैरना है तो कषाय स्थूल बनाओ। हाँ, कषाय के बिना तो चलता नहीं, क्योंकि पूरा समाप्त किया नहीं जाता, किंतु हल्का तो किया जा सकता। इसलिए हमारे आचार्यों ने कषाय के माध्यम से स्थिति बंद और अनुभाग बंद का प्ररोपण किया है, और केवल योग के द्वारा बंद तो होता है लेकिन उदय एक समय में आकर के खिर जाता है, उसको योग कहा है। तो योग की ओर हमारी दृष्टि हो और कषाय को हम सघन न बना करके और हल्का हल्का बना दें तो हमारा निस्तार बहुत जल्दी हो सकता है। सघन का मतलब यदि आप लगातार यह पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी गारंटी देंगे, और यदि नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे गारंटी देंगे? पक्का है ये तो, बहुत अल्प समय में आपको वह उपलब्ध हो सकता है, किंतु अपने परिणामों के ऊपर आधारित है। इसलिए घनत्व को और स्थूलत्व को, लघुत्व को दृष्टि में रख करके काम चलाओ, नहीं समझे? दिन समय किसी भी प्रकार से सात्विकता के साथ व्यतीत हो जाए, यह पर्याय संयम में बना रहे तो रास्ता तो बिल्कुल सीधा है।
और कोई अवधान आएगा नहीं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कंकर जैसे न बने हम। ओम विद्यासागर जी महाराज की जय।